हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का जो SBI क्लर्क का पेपर हुआ है 22 जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों पूरा हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ओके, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, SBI क्लर्क का पेपर हो चुका है पहले शिफ्ट का। तो हम लोग पहले रीजनिंग का देखते हैं पोर्शन की कैसा कैसा पेपर आया, कितने क्वेश्चन पूछे गए, कैसा लेवल था पेपर का, पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक जो आता है रीजनिंग का वो आता है सेटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट से टोटल जो थे 5 क्वेश्चन थे, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्लोर बेसिस क्वेश्चन भी आए थे। ओके, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे 5। ओके, अगला टॉपिक आता है स्लॉगिज्म। ओके, तो स्लॉगिज्म से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इजी लेवल के बताए जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारा अल्फाबेटिकली सीरीज। तो अल्फाबेटिकली सीरीज से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, जो कि मॉडरेट लेवल के बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इनइक्वालिटी। तो असमानता से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइस बताए जा रहे हैं 5 क्वेश्चन, जो कि मॉडरेट लेवल के बताए जा रहे हैं। और अगला टॉपिक आता है DI, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए गाइस, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। अगला टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें बता रहे हैं बच्चे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो थे दोस्तों वो मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के। ओके, अगला टॉपिक आता है मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। तो पूरा पेपर का जो पैटर्न हो गया कैसा था, लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल का। ओके, अगला बात करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में एक टॉपिक आता है पैराजम्बल। तो पैराजम्बल थे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और एक टॉपिक आ जाता है बोकैप। तो बोकैप पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो बोकैप पर अगर आप अच्छी फोकस करते हैं तो आप निकाल सकते हैं एग्जाम को भी। ओके, तो बताया जा रहा कि 3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो वोकैबुलरी से पूछे गए थे, और बताया जा रहा है गाइस कि 7 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एरर डिटेक्शन से। ओके, एरर डिटेक्शन 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला टॉपिक आता है स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेलिंग से। और अगला टॉपिक आता है गाइस फिलर्स। तो फिलर्स से दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए फिलर्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फिलर्स से। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो मुझे पता चले हैं। बताया जा रहा कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था 151, 502, 1023, 1762 और 2773। तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन बता रहे बच्चे कि पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा इस टाइप का कि 4, 16, 25, 36, 49। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों देखिए, ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग देखने से मिल रहा है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मुझे अगर और भी क्वेश्चन पता चलते हैं मैथ्स रीजनिंग के, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, और सेकंड शिफ्ट का भी जल्दी मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।